मां लगातार हो रही बारिश ने राजस्थान के कई जिलों के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे अधिक असर देखा गया है सवाई माधोपुर और धौलपुर में। सवाई माधोपुर के कई रिहायशी इलाके हैं जहां पर पानी भर जाने के चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। पार्वती नदी का बांध टूटने के चलते कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश का दौर अभी 48 घंटे और जारी रह सकता है। फिर तेज यहाँ पर प्रेशर आ गया, वेलमार्क लो प्रेशर आज फिर से तेज़ हो गया है, डिप्रेशन यहाँ पर बन गया है। इसके चलते बारिश की संभावना बढ़ चुकी है। अगले 24 घंटे में इसकी उत्तर पश्चिम दिशा में पश्चिमी यूपी की तरफ आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक भरतपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र ने धौलपुर, बारा, पाली, अजमेर और जयपुर सवाईमाधोपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। और ये चार तस्वीरें भी आपके सामने मैं रख रही हूँ, आप इन तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या तस्वीर राजस्थान में बारिश के चलते बनती हुई नज़र आ रही है। बारिश से मौसम तो सुहावना हो गया है, लेकिन यही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है, इसलिए कि कई मकान ढह रहे हैं, सड़कों पर पानी इतना भर चुका है कि सड़कें कम, नदियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, नदी नाले उफान पर हैं। और सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, चौथी तस्वीर जो आपके सामने मैं रख रही हूँ। पानी में शव ले जाने के लिए लोग मजबूर हुए हैं। सोचिए क्या हालात बने हुए हैं यहाँ पर, निकासी की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। और ढाक के पार तस्वीर नज़र आ रही है, यानी कि जो पिछले साल हमने देखा था किस तरीके से राजस्थान पानी पानी हो गया था, वही तस्वीर हमें इस बार भी नज़र आ रही है। यानी कि कोई सबक नहीं लिया गया है, कोई सुधार नहीं किया गया है। राजस्थान की ये चार शहरों की तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं, और इस बारिश का सीधा असर पड़ रहा है आम जनजीवन पर, जो कि हो रहा है खासा प्रभावित। बता दूं आपको कि सवाई माधोपुर में हुई भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। इसी दौरान जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित भेरू दरवाजे के समीप विनोबा बस्ती में एक व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मौत हो गई है। समय पर बारिश नहीं रुकने के चलते शव को शमशान तक ले जाना और फिर शव का अंतिम संस्कार करना परिजन और लोगों की मजबूरी बन गया। शमशान के रास्ते में पड़ने वाले लटिया नाले में बारिश का पानी इस कदर उफान पर था कि लोगों को शव यात्रा लेकर शमशान तक पहुँचना मुश्किल था। नदी नालों में उफान आने से ज़िले के कई गांवों में आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। भारी बरसात के चलते रणथंभौर में लैंडस्लाइड होने से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पूरी तरह बंद है।